आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। कोरोना काल में शहर के मध्य क्षेत्र के व्यापारियों ने जागरूकता का परिचय देते हुए रक्तदान महादान के उद्देश्य से MY हॉस्पिटल द्वारा संचालित ब्लड मोबाइल के माध्यम से सतला माता बाजार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारियों विशेषकर युवा व्यापारियों ने रक्तदान में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सतला माता बाजार, शक्कर बाजार, साठा बाजार, मारोठिया बाजार, नलिया बाखल, इतवारिया बाजार सहित आसपास के व्यापारिक क्षेत्रों से व्यापारियों ने रक्तदान कर रक्तदान शिविर को सफल बनाया। व्यापारी संघ के पदाधिकारी हेमा पंजवानी, अतुल नीमा एवं ओम सोनी ने बताया कि मध्य क्षेत्र में 50 वर्षों में पहली बार लगे रक्तदान शिविर को लेकर व्यापारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान 100 से अधिक व्यापारियों ने रक्तदान किया। अनेक बार रक्तदान करने वाले व्यापारियों को हिंद रक्षक संगठन के संयोजक एवं भाजपा नेता एकलव्य सिंह गौड़ के कर कमलों से प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से हिंद रक्षक संगठन के संयोजक एवं भाजपा नेता एकलव्य सिंह गौड़, भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष निर्मल वर्मा, भाजपा वार्ड 69 के अध्यक्ष अंशुल शर्मा, सतला माता बाजार व्यापारी संघ के अध्यक्ष हेमा भैया पंजवानी, अतुल नीमा, वीरेंद्र बड़जातिया, ओम सोनी, जगन सोनी सहित बड़ी संख्या में व्यापारीगण उपस्थित थे। बहुत ही अभिनव प्रयास है। हमारे सभी बाजार के जो भी व्यापारी संघ हैं, शीतला माता बाजार व्यापारी संघ है, शक्कर बाजार व्यापारी संघ है, सराफा है, मारोठिया बाजार व्यापारी संघ के सभी व्यापारियों ने मिलकर एक बहुत अच्छा एक अभिनव प्रयास किया है और 50 वर्षों में पहली बार इस तरह का कोई कार्यक्रम यहाँ इस शीतला माता बाजार में आयोजित किया गया है। तो मैं सभी बाजार प्रमुखों को हृदय से बधाई देता हूँ और उनको साधुवाद देता हूँ कि इस तरह के अभिनव प्रयास आगे भी लगातार वो जारी रखें। इसमें हमारे युवा साथी जगन सोनी की भी एक विशेष भूमिका रही है, संस्था विजयेश्वरी और गोल्ड कॉइन सेवा ट्रस्ट, ये आदि संस्थाएं भी इसमें सहयोगी बनी हैं। तो एक बहुत ही अनूठा प्रयास है और मेरा सभी यहाँ के कर्णधारों से आग्रह है कि आगे भी इस तरह के नवीन प्रयास करते रहें। छोटे छोटे इससे व्यापारी एकजुट भी रहते हैं, सबके स्वास्थ्य की भी चिंता होती है और अभी चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप बहुत ही अपने आप में मायना रखता है। योगा, शक्कर बाजार, सीता माता बाजार, मारोठिया बाजार, साठा बाजार, सभी व्यापारियों ने ये जो अभी जो ब्लड का काम किया है ये 50 साल में पहली बार हुआ और इसके होने से शहर में कम से कम कोरोना की जो महामारी चल रही है उस हिसाब से ब्लड का जो काम हो रहा है ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ के युवा लोग, यार शहर के युवा लोग भी अच्छे ब्लड के मामले में दें और होना चाहिए। आज जिस तरह से चल रहा है महामारी का रोल और आगे जाके भी ये तकलीफ है, युवाओं से मेरा निवेदन है कि ऐसे 50 साल के अंदर की क्या इसी बीच में भी और जल्दी करना चाहिए। व्यापारियों द्वारा संयुक्त रूप से सभी व्यापारी संगठनों ने सितना आता बाजार एसोसिएशन, शक्कर बाजार एसोसिएशन, नलिया बाखल, बर्तन बाजार, सराफा एसोसिएशन सभी ने मिलकर आज रक्तदान का अनूठा आयोजन किया है। ये पहली बार हमने प्रयास किया है और बहुत अच्छे लोगों में उत्साह है और लोग आगे बढ़कर रक्त का अपना रक्तदान कर रहे हैं और पुण्य लाभ कमा रहे हैं। ऐसा पता चला कि 50 वर्षों में पहली बार इस तरह का आयोजन? बिल्कुल, ये 50 वर्षों में अभी तक के बाजार का चौड़ीकरण हुआ, उसका हमने फायदा उठाया और यहाँ पर जो है चलित रक्तदान की जो गाड़ी लगी है तो ये लोगों को अभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं और रक्तदान यहीं कर पा रहे हैं। विदित है कि अभी कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे में कोरोना काल में जितने भी रक्तदाता हैं वो अस्पताल जाने में घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, जिसलिए ऐसे रक्त डोनेशन शिविर का आयोजन किया है जिसमें सभी व्यापारी जैसे कि शक्कर बाजार व्यापारी एसोसिएशन, शीतला माता बाजार व्यापारी एसोसिएशन, हमारे मनोहर भैया, अतुल भैया नीमा और बाकी सभी साथीगण ने मिलकर ये आयोजन किया है जिसमें लोगों के बीच में जागरूकता बढ़े
और सब अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें। कोरोना के कायदों का किस तरह से पालन करते हुए ये आयोजन किया जा रहा है? आप देखेंगे कि कोरोना के कायदों में सबसे पहले इंफ्रारेड स्कैनर से जांच होती है। इंफ्रारेड स्कैनर से जांच होने के पश्चात ही सभी रक्तदाता रक्तदान करने के लिए जाते हैं।